जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है थ्रू गिटारिस्ट, जो मुझसे पूछा जाता है या फिर कोई भी बिगनर गिटारिस्ट होता है उसके मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कितना टाइम लगेगा गिटार सीखने में। तो इसका कोई वैसे पर्टिकुलर आंसर तो नहीं है, बट मैं आज आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि रियली में कितना टाइम लगता है। और इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक ऐसे गिटारिस्ट जिसको हल्का फुल्का गिटार बजाना आता है बट वो अटक रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो यू कैन श्योरली चेक आउट माई फॉरएवर गिटार कोर्स, जिसमें कुछ 5 वीडियोज़ पहले की फ्री भी हैं, तो आप लोग वो चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना हो, लाइफ टाइम कोर्स है 999 का, और उसमें आप लोगों को करीब 200+ वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस होंगे, PDF नोट्स मिलेंगी, तो एक तरीके से पूरा पैकेज है गिटार का, एक गिटार कोर्स है जो कि आप लोगों को 999 का लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो नीचे लिंक्स दे दूंगा अपने प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के, वेबसाइट के, तो आप लोग कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो आप लोगों के में चल जाएगा। ऑलराइट, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हो। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, यू कैन श्योरली मैसेज मी इन व्हाट्सएप एज वेल। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं रियली में कितना टाइम लगता है टू लर्न गिटार। अब देखो यहाँ पर दो डिविजन्स हो जाते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सब डिविजन्स हो सकते हैं बट मेनली दो डिविजन्स है। एक वो लोग जो कि सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, राइट, जो कि गिटार बजाना चाहते हैं, उनको शौक है कि कोई इंस्ट्रूमेंट आए उन्हें जिसके साथ वो गाना गा सकें, तो उनके लिए एक अलग टाइम पीरियड है। और वो लोग जो कि रियली में कुछ कंपोज करना चाहते हैं, जो कि सॉन्ग बनाना चाहते हैं ना कि बजाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दो लोगों का सीखने का गिटार का प्रोसेस भी अलग है और दोनों का टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा दिखता है, मतलब दोनों के टाइम में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं सिर्फ गिटार में। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 4 to 5 months आप लोग ये चीज़ मास्टर कर सकते हैं कि आप लोग कोई सा भी सॉन्ग बजा सकें। कैसे? थ्रू दीज टाइटल्स जो मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो ये सारी वीडियोस अगर आप लोग चेकआउट कर लेते हो, देख लेते हो, ठीक है, सबसे पहले चीज़ कॉर्ड्स आप लोगों को आनी चाहिए, तो कॉर्ड्स के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल पर जाकर देखो, लिस्ट दे रखी, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो वो सारी वीडियोस। कॉर्ड्स रिलेटेड कर लो, स्ट्रमिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस कर लो, प्रोग्रेशन सीख लो कुछ, ठीक है, टॉप 5 में से माइनर प्रोग्रेशन सीख लो, एंड हल्का फुल्का अगर ज़्यादा मन हो तो कॉर्ड फाइंड करना सीख लो, दैट्स इट, आप लोगों का काम हो जाएगा। ये 4 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हो, कॉर्ड्स सीख लेते हो, स्ट्रमिंग सीख लेते हो, प्रोग्रेशन सीख लेते हो, एंड कॉर्ड फाइंडिंग सीख लेते हो, तो आप लोग गुड टू गो टू प्ले एनी सॉन्ग, राइट। एंड ये सिर्फ अभी स्ट्रमिंग वाले रिदम वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लीड इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, रिदम तो सीखनी है, स्ट्रमिंग के साथ आप लोगों को रिदम भी आ जाती है, एंड हल्का फुल्का आप लोगों को लीड को फाइंड कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी वीडियोज़ हैं। तो ये सारे टाइटल्स हैं, कवर करो इन्हें, एंड मुश्किल से 4 to 5 to 6 महीने में आप लोग इनको कवर कर सकते हो, एंड यू कैन प्ले एनी सॉन्ग इन रिदम। बेसिकली लीड्स के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि इवन मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा, बहुत सारे बड़े बड़े गिटारिस्ट नहीं प्ले कर पाएंगे बिकॉज उन गानों को लीजेंड्स ने प्ले किया है। बट अगर हम लोग बात करें रिदम सेक्शन की, तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोग कर ले तो आप लोगों का काम हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पर्सन, जो कि सॉन्ग सिर्फ बजाना नहीं चाहते बट म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक को समझना चाहते हैं, उससे कुछ कंपोज करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, फ्लैक्स करने के लिए नहीं, बट रियली में उससे कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को लगेगा करीब 1 to 1.5 साल बिकॉज टॉपिक्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। लाइक कॉर्ड्स इन्हें भी सीखने हैं बट सिर्फ कॉर्ड्स नहीं सीखना है, इन लोगों को उसके बीच का रिलेशन भी सीखना है, कॉर्ड फंक्शन क्या है, ठीक है, और मोड्स क्या है, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप बेटर से बेटर जो प्रोड्यूस है वो सॉन्ग कर पाओगे। रिदम में आप लोगों को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर तो स्ट्रमिंग पैटर्न सीख के आप लोगों का काम बन जाएगा, 2-4 स्ट्रमिंग पैटर्न 4 बीट में सीख ली, 2-4 स्ट्रमिंग पैटर्न 3 में सीख ली, 2-4 2 में सीख ली, 1-2 7 में सीख ली, आप लोगों का काम हो जाएगा दूसरी साइड जो प्ले वाले हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को कुछ अपना बनाना है, कुछ नया बनाना है जो कि आपकी तरह साउंड करे, तो उसके लिए आप लोगों को रिदम में वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि टाइम सिग्नेचर क्या है, बीट्स क्या है, पल्स क्या है, तो हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग है, टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, बेसिकली चीज़ें सेम है बट टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। थर्ड बात करें तो प्रोग्रेशंस आप लोगों को भी करने पड़ेंगे, बट नॉट जस्ट टॉप 5 प्रोग्रेशंस, बट प्रोग्रेशंस बनाते कैसे हैं, कॉर्ड फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैडेंस कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों को जोड़ के जो बाकी जैसे 7th कॉर्ड का अपना कॉर्ड फैमिली है, फिर आप लोगों के पास बोरोड कॉर्ड है, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को करनी पड़ेंगी, एंड टाइटल्स मैंने दे रखे हैं, इनको अगर आप कर लोगे तो आप लोग उस तरफ को जा सकते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल थ्योरी आप लोगों को सीखनी पड़ेगी बिकॉज थ्योरी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लाइक स्केल थ्योरी हो गई, आप लोगों की ट्रायड्स हो गए, के सिस्टम हो गया, मे बी सर्कल ऑफ 5th हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो आप लोग कर सकते हो टू लर्न टू मेक सॉन्ग्स, नॉट जस्ट टू प्ले देम, बट कैसे उनको बनाना है, तो ये सारी लिस्ट है, लिस्ट नेवर एंडिंग है, ठीक है,
इन लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो कि रियली में सॉन्ग बनाना चाहते हैं। अभी कुछ ऐसे भी इसका अगर एक और डिवीजन ले तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हल्का सा और टाइम लगता है, ठीक है, बिकॉज उन लोगों को लीड पर भी और वर्क करना पड़ता है, रिदम और वर्क करना पड़ता है, बट दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है, वो मेक सॉन्ग के अंदर भी आ सकता है बिकॉज यू आर बेसिकली गोइंग इन एडवांस लेवल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और ये सारे वीडियोज़ के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। शॉर्ट सा वीडियो था बट ये क्वेश्चन मुझसे इतनी बार पूछा जाता है, इसका मेरे पास पर्टिकुलरली कोई आंसर नहीं होता, तो मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को आंसर देना चाहता हूँ। अगर आप लोग सॉन्ग्स बनाना चाहते हो तो मुश्किल से 4 से 6 मंथ के बीच में आप लोग अगर वॉलेट टाइटल्स कंप्लीट कर लेते हो जो कि मैंने पहले दिखाए थे आप लोगों को, तो आप लोगों के सॉन्ग्स बजने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, कोई सभी सॉन्ग आप प्ले कर पाओगे इन रिदम सेक्शन, ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेसिकली बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग्स की या फिर पॉप जो सॉन्ग्स हैं उनकी। एंड अगर हम लोग बात करें सॉन्ग्स बनाने की तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप लोगों के ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 कॉर्ड्स लग रहे हैं, यू विल ट्राई टू एड मोर कॉर्ड्स टू गिव मोर फील टू योर सॉन्ग, राइट। तो वो चीज़ करने के लिए आप लोग हल्की सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, 1 से 1.5 साल में आप लोग उसको अचीव कर सकते हो। अभी 1 से 1.5 साल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ये तो बिल्कुल उसको मतलब मास्टर कर लोगे आप इतने टाइम पर, पर करीब 6 महीने से ज़्यादा ज़्यादा में आप लोग ये चीज़ सॉन्ग बनाना सीख सकते हो अगर रियली में डट के मेहनत करते हो। सो दिस वॉज द लेसन एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आप लोगों को रियली में हल्का सा सीखना है गिटार, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट देखना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देना है, कैसे थ्योरी को प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा फॉरवर्ड गिटार कोर्स यूज़ कर यू नो बाय कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहाँ पर मैंने हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से बता रखी है, नॉट जस्ट कि कैसे सॉन्ग्स प्ले करने हैं बट रियली में कैसे सॉन्ग्स बनाने हैं। तो मेरा वो जो कोर्स है वो रियली में फोकस करता है टू दैट एस्पेक्ट की सॉन्ग बनाना कैसे है। बजाना कोई भी सीख जाता है, बहुत सिंपल चीज़ है, यू जस्ट हैव टू चीट समवन, बट बनाना इज समथिंग जो कि आप इन्वेंट करते हो, राइट। तो अगर आप लोग वो चाहते हो तो फॉरवर्ड गिटार कोर्स नीचे लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, एंड ऑल्सो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, इवन आज मैं जो कोर्स बना रहा हूँ मैंने खुद यूट्यूब से सीख के बना रहा हूँ, राइट। तो आप लोग चाहो तो फ्री में भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आप गिटारिस्ट नए आए हो और आप गिटार सीखना चाह रहे हो तो आई वुड से कि सॉन्ग्स प्ले करने के लिए नहीं, सॉन्ग्स बनाने के लिए गिटार सीखो तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑलराइट, सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ मच टाइम इट्स टेक टू लर्न गिटार फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो आई होप यू लाइक इट एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।